हेलो दोस्तों, माय नॉलेज माय वीडियो यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सोनी स्मार्ट टीवी गूगल वॉइस रिमोट के बारे में। इस रिमोट को कैसे पेयरिंग करते हैं और ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इस रिमोट को ओपन कर देते हैं और आप देख सकते हैं हमारे पास में स्मार्ट टीवी सोनी स्मार्ट टीवी का गूगल वॉइस का रिमोट है। ये इसका गूगल वॉइस का बटन है और यहाँ पे ये देखिए वॉइस लिखा हुआ है और ये सोनी नेटफ्लिक्स गूगल प्ले का रिमोट होता है और इसका क्वालिटी देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है ये। एकदम 100% ओरिजिनल नहीं होता है ये, 99% कॉपी होता है, लेकिन एकदम हमारे ओरिजिनल रिमोट की तरह ही दिखता है। तो इसे हमें किस तरह से पेयरिंग करना है तो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इस रिमोट के अंदर आप बैटरी डाल देंगे और आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल ही चलेगा, आसानी से चल जाएगा, इसमें पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसे पेयरिंग करने के लिए हमें गूगल वॉइस असिस्टेंट अगर आपको यूज़ करना है तभी हमको इस रिमोट को पेयरिंग करना पड़ता है। बाकी ये रिमोट हमारा डायरेक्ट ही चालू हो जाता है, कुछ भी पेयरिंग करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ हमें गूगल वॉइस अगर चलाना है तभी हमें इस रिमोट को पेयरिंग करना पड़ेगा। तो किस तरीके से पेयरिंग करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हम बैटरी डालेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है वॉइस रिमोट कंट्रोल और ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। और सबसे पहले हम इसके अंदर बैटरी डाल देते हैं, इस तरह से हमें बैटरी डालना है। और बैटरी डालने के बाद में इस रिमोट को आप डायरेक्ट ही पेयरिंग कर सकते हैं। पेयरिंग करने के लिए आपको वॉल्यूम माइनस बटन और ये गूगल असिस्टेंट का बटन, इन दोनों बटन को एक साथ में आपको 3 सेकंड तक प्रेस करना है। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लाइट जलेगा, LED ब्लिंक करेगा और उसके बाद में आपके TV के डिस्प्ले पे रिमोट इज़ कनेक्टेड ऐसा लिख के आएगा। उसके बाद आपको इस बटन से ओके कर देना है। तो चलिए हम करके देखते हैं। सबसे पहले हमें वॉल्यूम माइनस और ये गूगल असिस्टेंट, ये दोनों बटन एक साथ में हमें प्रेस करके रखना है 3 सेकंड तक। ये देखिए ये हमारा लाइट आ गया है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही हम इस रिमोट को टीवी के सामने कुछ इसी तरीके से हम गूगल वॉइस और वॉल्यूम माइनस का बटन प्रेस करके रखेंगे तो हमारे टीवी के डिस्प्ले पे रिमोट इज़ कनेक्टेड ऐसा लिख के आएगा। उसके बाद में आपको ओके कर देना है और आपका रिमोट पेयरिंग हो जाएगा बिल्कुल ही। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप एक दूसरा भी तरीका है, उस तरीके से भी कर सकते हैं इस रिमोट को पेयरिंग। वो तरीका है, आप सबसे पहले क्या करें, इसके अंदर बैटरी डाल दें वापस। मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताता हूँ। सबसे पहले आप इसके अंदर बैटरी डाल दें और बैटरी डालने के बाद में आप सबसे पहले ये जो बीच का बटन है, सेटिंग का बटन भी होता है और ओके का भी होता है, तो आप ये बटन से सेटिंग में जाएँ। सेटिंग में जाने के बाद में आप ब्लूटूथ सेटिंग में जाएँ। ब्लूटूथ सेटिंग में जाने के बाद में आपको रिमोट अनपेयर सेटिंग में जाना है और इसको ओके कर देना है। तो आपका जो पुराना रिमोट होगा वो अनपेयर हो जाएगा। उसके बाद में आपको वापस सेटिंग में जाके और न्यू रिमोट पेयरिंग सेटिंग में जाना है और उसके बाद में उसको ओके कर देना है। और जैसे ही आप इस बटन से ओके करेंगे तो आपके टीवी के डिस्प्ले पे एक लोगो दिखाई देगा, उसमें वॉल्यूम माइनस का और गूगल वॉइस असिस्टेंट का ये दोनों बटन प्रेस करने का लोगो दिखाई देगा। तो जैसे ही वो लोगो दिखाई देगा उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है कुछ इसी तरीके से, और उसके बाद में आपका रिमोट कनेक्टेड हो जाएगा और आसानी से आप चला सकते हैं। ये देखिए कुछ इसी तरीके से, और उसके बाद में रिमोट कनेक्टेड ऐसा लिख के आएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है और आपका रिमोट आसानी से पेयरिंग हो जाएगा। अगर आपको गूगल असिस्टेंट चलाना है तभी आपको पेयरिंग करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट ही इस रिमोट को यूज़ कर सकते हैं।
इसमें पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गूगल असिस्टेंट चलाना है तो आपको पेयरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।